जैसे जैसे भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चांद से जुड़े कई जानकारियां सामने आ रही है, कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज शर्मा हैं, जो कि खगोल शास्त्री हैं, और आज हम बात करेंगे कि जब 1969 में पहली बार मानव चांद पर उतरा और 1972 में आखिरी बार, तो 50 साल से अधिक वक्त क्यों लग गया है कि अभी तक कोई मानव नहीं गया है। हमारे साथ पंकज शर्मा है, पहले भी लगातार हम इनसे बातचीत करते रहे हैं। पंकज जी, न्यूज 18 इंडिया पर बातचीत के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। पंकज जी, सवाल ये उठता है कि अब तक कितने लोग गए हैं? नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने वो टिप्पणी की थी जो ऐतिहासिक टिप्पणी बन गई है, जो कि पहली बार चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे, तो अब इतने दिनों में 50 साल, 72 में अंतिम बार मानव उतरे, उसके बाद से अब तक 50 सालों में क्यों कोई नहीं उतरा है? इतना गैप हो गया है और इस गैप में काफी लोग नहीं उतरे हैं। इसका मेन रीजन था फंडिंग। यूएस के पास भी फंडिंग की प्रॉब्लम थी और यूएसएसआर के पास भी फंडिंग की प्रॉब्लम थी। इनके अलग अलग अपने देशों के अपने अपने और कार्य चल रहे थे, जिनकी वजह से ये स्पेस प्रोग्राम में फंडिंग नहीं ला सकते थे। और मून पर भेजना ये एक बहुत ही बड़ा कार्य है और इसमें फंडिंग बहुत लगती है। और डिटेल जानेंगे कि अभी तक क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन अभी तक जो लोग गए हैं उनके बारे में एक थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। जी, अब तक 24 लोग गए हैं करीब मून पर, और लेकिन मून पर उतरे जो है वो 12 हैं। दिखाएंगे उनको, देख लेते हैं। ये नासा की साइट है, नासा से जुड़ी साइट, ये नासा की साइट है। और जैसे कि हम देख सकते हैं उन पर जो 12 लोगों ने वॉक की है, मून पे जो 12 लोगों ने वॉक किया है उनके नाम है। नील आर्मस्ट्रांग जिन्होंने पहला वॉक किया था, एडविन एल्ड्रिन जो दूसरे व्यक्ति थे जो अपोलो 11 मिशन में गए थे, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नील आर्मस्ट्रांग बहुत ही फेमस मून वॉकर है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा फेमस ही होंगे। हाँ, सबसे ज्यादा है, और पहली दफा इन्हीं का कदम मून पर रखा गया था। और इनके साथ बज एल्ड्रिन भी थे जो मून पर उतरे थे, और इनके साथ एक इनका तीसरा यात्री भी था जो उसमें रहा था, ऑर्बिटर में रहा था, जो और 24 लोगों में है। जी, 24 लोगों में है, और ये उसका नाम था माइकल कॉलिंस। तो ये बताइए, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, 12 लोग और हैं, इन दोनों के अलावा अपोलो 11 से जो हमें दिख रहा है पंकज जी, जी, इसके अलावा 10 लोग और हैं, इनके अलावा उनके नाम है, बिल्कुल ये 10 लोगों के नाम है। इसके अलावा 24 लोग हैं जो कुल पृथ्वी से चंद्रमा तक गए हैं, लेकिन उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का वो वीडियो दिखाइए जो ऐतिहासिक है। जी जरूर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस वीडियो है, फर्स्ट स्टेप ऑन द मून नील आर्मस्ट्रांग के। थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है, लेकिन धुंधली भले ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हम लोग पे बहुत पावरफुल है, न सिर्फ हम लोग पे बल्कि पूरी मानवता पे, पूरा विज्ञान। जी, ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पिक्चर जो ली गई है बहुत ही साफ है, कही साफ है, तो बहुत ही साफ है। जी, जैसे मून पर वॉक करते हुए, ये मून पर यान से उतर रहे हैं, यान से उतर रहे हैं, बिल्कुल ये देख सकते हैं उतरते हुए। ये इनका फर्स्ट है चंद्रमा पे, फर्स्ट स्टेप ऑन द मून। जी, इंस्ट्रक्शंस ये जाते कहां? ये देखिए, ये सेक्शन वायुयान से मिल रहे हैं इनको, और ये माइकल कॉलिंस इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ओके, और यहाँ नासा से भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा होगा, टच में तो रहे होंगे सब? नासा से ऑर्बिटर में टच में रहते हैं। और जी, देख सकते हैं ये दोनों ही उतर चुके हैं, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। तो ये देख सकते हैं 1959 की उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब मानवता ने पहली बार इसे देखा था, और बहुत बड़ी सफलता थी विज्ञान की। जी, बहुत बड़ी सफलता थी कि पहली दफा कोई मानव मून पर गया था, उसके कदम मून पर रखे गए थे। तो ये जो लोग पहले गए थे, नील आर्मस्ट्रांग को तो सबको ही जानता है, लेकिन आखिरी बार कौन गया, ये बड़ा सवाल है, उसके बारे में भी पंकज शर्मा से बात करेंगे। आखिरी बार कौन गया पंकज जी, उनके बारे में बताइए थोड़ा, आखिरी बार। जी, जैसा कि हम देख सकते हैं, जो वॉक किया आखिरी बार, जो आखिरी बार मून पर वॉक किए थे अपोलो 17 में, और वो थे यूजीन कानन और हैरिसन श्मिट। ये आखिरी दफा गए थे मून पर, चले थे। ये आखिरी मिशन था अपोलो 17 यूएस का, मैन मिशन जिसे कहते हैं, मैन मिशन था। 12 लोग, आपको बता दें कि जाने वाले और मून पर चलने वाले में फर्क होता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जो
मून की यात्रा पर गया, यानी इस तरह के मिशन में गया, वो मून पर उतर गया, ऐसा होता नहीं है। 12 लोगों ने वॉक किया है, जो अंतिम बार 1972 में, शायद अपोलो 17 1972 में किया था, और तब से लेकर अब तक 51 सालों में अब तक कोई मून मिशन मानव के साथ नहीं उतरा है। और ये 24 लोगों के जो नाम है, तो ये और 12 लोगों के नाम है जो पहुंचे हैं, जिन्होंने ऑर्बिट में यात्रा की। जी, उन्होंने मून का चक्कर लगाया है, मून की कक्षा में ऑर्बिटर में चक्कर लगाया था, ये वो लोग हैं। तो ये देख सकते हैं दुनिया में अब तक 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांद की यात्रा की है, और इन लोगों ने चक्कर लगाया है, उनके नाम है जिन्होंने मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाया है, मून का वॉक किया। 12 लोगों ने वॉक किया और बाकी लोगों ने चक्कर लगाया है, 12 लोगों ने चक्कर लगाया कक्षा में। और दूसरी बात, 3 लोगों के नाम ऐसे दिख रहे थे मुझे कि जिन्होंने दो बार उन्होंने जर्नी की है अर्थ से मून की, उनके कौन कौन से नाम है? जी, कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, जेम्स लॉवेल जो अपोलो 8 और अपोलो 13 में गए थे, और जॉन यंग जो अपोलो 10 और अपोलो 16 में गए थे, जीन कानन अपोलो 10 और अपोलो 17 में गए थे। अपोलो 17 जो आखिरी मैन मिशन था यूएस का, मैन मिशन था। और सबसे खास बात बता दे कि अब तक अमेरिका के अलावा कोई भी दूसरे देश का मानव चांद पर न उतरा है और न चांद की यात्रा भी की है। यात्रा की है लेकिन उतरा नहीं है। उतरा इससे पहले जो गए हैं वो सारे रोबोटिक मिशन थे। ओके। और जो अब गए हैं वो भी रोबोटिक मिशन हैं, लेकिन यही लोग हैं जो मून पर उतरे थे 12 लोग। लेकिन और लोगों ने मैन मिशन भेजा उतारने के लिए? नहीं, मैन मिशन नहीं, सबने रोबोटिक मिशन भेजा, रोबोटिक मिशन भेजा। और ये बताइए कि, और ये बता दिया, अभी हम बात कर रहे थे कि 3 लोगों के नाम जो 2 बार चांद की यात्रा की है, वो लोग खास तौर पे उनका एक्सपीरियंस जब दूसरी बार गए होंगे तो उनके लिए बहुत खास नहीं रहा होगा, जब पहली बार गए थे उनके लिए सिचुएशन थोड़ी इजी रही होंगी, ताकि उस वातावरण से घुल मिलना आसान रहा होगा, और वो तभी कर पाए। ये 2400 लोगों के आप नाम देख सकते हैं, 6 मिशन के जरिए और ये 24 लोग गए। जी, 12 ने वॉक किया, 12 ने वॉक किया, 3 लोग 2 बार गए। इनमें से आज की तारीख में जीवित लोग कौन है जिनका आप जिक्र कर रहे थे? ये सर्वाइविंग लैंग्वेज आप देख सकते हैं, बज एल्ड्रिन, डेविड स्कॉट, चार्ल्स ड्यूक, हैरिसन श्मिट, ये अभी सर्वाइविंग मून वॉकर्स हैं, और जो उन्होंने वॉक किया। ये देखिए, वॉकर्स जो आज की तारीख में जीवित हैं, ये चारों 4 अलग अलग मिशन के साथ गए थे। अपोलो 11 से एक गए थे, अपोलो 11 पहला मिशन था जिसने मानव को चांद पे उतारा, नील आर्मस्ट्रांग के साथ एल्ड्रिन ही उतरे थे चांद पे, नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरे व्यक्ति का, दूसरे मानव का जो कदम पड़ा था चांद पे वो एडविन एल्ड्रिन थे, इसके बाद अपोलो 15, अपोलो 16 और आखिर में अपोलो 17 जिसने मानव को उतारा, हैरिसन स्मिथ, ये भी अपने एक साथी के साथ चांद पर उतरे थे। तो ये है चांद की कहानी। तो आप बता रहे थे कि अब क्यों मानव नहीं भेजा जा रहा है, तब शीत युद्ध का काल था, आपने कहा कि पैसा सिर्फ एक वजह है, सिर्फ पैसा वजह है, या अब वो शीत युद्ध की लड़ाई खत्म हो गई रूस और अमेरिका की? इसलिए जी, शीत युद्ध की लड़ाई तो अब खत्म हो गई, उस वक्त तो एक स्पेस रेस थी कि हम पहले पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना था, अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन करना था, इसीलिए वो रेस थी उस वक्त, कोल्ड वॉर थी जी। तो लेकिन उसमें यूएस ने तो मैन मिशन भेजा मून पर, और यूएसएसआर ने रोबोटिक मिशन भेजा था जी। और तो अब अमेरिका अगले साल भी एक मिशन, मैन मिशन भेजने वाला है जिसमें 4 लोगों के नाम होंगे, जैसा कि पहले फंडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, अमेरिका कई वॉर में भी फंसा हुआ था, इसलिए ये अब जो जिसे कोशिश कर रहे हैं मैन मिशन करके, क्योंकि अब नए नए लक्ष्य सामने आ रहे हैं, जैसे कि हम मून को ट्रांजिट स्टेशन बनाएं और आगे निकलें, तो इस तरह से अब सभी देश जो हैं जो इसके लिए कैपेबल हैं और उसको ये मिशन, मैन मिशन दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो 52 साल बाद मुझे लगता है अगले साल अगर भेजता है चांद पे, तो 52 साल बाद ऐसा होगा जब मून मिशन भेजा जाएगा, और उम्मीद है कि उतार भी दिया जाएगा, क्योंकि अब मून पर टेक्नोलॉजी इस तरह से आ गई है कि आप मिशन भेज सकते हैं और काफी इजीली भेज सकते हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस भी है इसको, और वहां पर टेम्परेचर, सॉइल और जो मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका भी तो खोज करनी है और उनका भी यूज अपने हिसाब से करना है, इसीलिए अगले साल अमेरिका फिर मानव मिशन भेजने की तैयारी में है चांद पे, मानव को फिर उतारेगा। लेकिन अब तक जितने भी मिशन मानव के साथ चांद पर उतरे हैं वो सिर्फ अमेरिका के उतरे हैं, अमेरिका के लोग वहां पहुंचे हैं। लेकिन अगले मिशन के बारे में एक खास बात आपको और बता दें, उसमें एक कैनेडियन सिटीजन भी हो सकता है, 3 अमेरिकी होंगे, नामों की घोषणा की संभावना जल्द की जा रही है, लेकिन अगले साल अमेरिका की तैयारी है कि
मानव मिशन भेजा जाए। तो हमने आपको बताया कि कैसे अब तक 24 लोग पृथ्वी से चांद की यात्रा किए हैं, 12 लोग चांद पर उतरे हैं और 12 लोगों ने उसके ऑर्बिट का चक्कर लगाया है और 3 लोग तो ऐसे हैं लकी जिन्होंने 2 बार चांद की यात्रा पृथ्वी से की है।